दोस्तों ये है चौंग झुयुंग, एक गरीब किसान के बेटे जो अमीर बनने के लिए बचपन में चार बार घर से भागे और तीन बार उनके पिता पकड़कर वापस खेती के काम में लगा दिए। सपना तो था एक टीचर बनने का, लेकिन सात भाई बहनों का पेट भरना ही जब मुश्किल हो तो सपने देखना एक गुनाह से कम नहीं। लेकिन रुकिए जरा, इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, फिर फ्लैशबैक में चलेंगे। चौंग झुयुंग साउथ कोरिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक और ह्युंडई ग्रुप के फाउंडर थे। जी हाँ, वही हुंडई ग्रुप जिसकी एक सब्सिडरी हुंडई मोटर्स ने आज टाटा और महिंद्रा जैसे दिग्गज ऑटोमोटिव कंपनीज की नाक में दम कर रखा है। और वास्तव में अगर देखा जाए तो हुंडई शायद इंडियन कस्टमर्स को टाटा और महिंद्रा से भी बेहतर समझती है। तभी तो सालों से मारुति सुजुकी के बाद हुंडई ने ही इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट में दूसरे पोजीशन पर कब्जा जमाया। तो चलिए जानते हैं हुंडई की शुरुआत से लेकर आज तक की इंटरेस्टिंग जर्नी को। दोस्तों चौंग का जन्म साल 1915 में नॉर्थ कोरिया के एक छोटे से गांव टोंगखान में हुआ था। उस समय कोरिया जापान के कंट्रोल में था और खराब इकोनॉमी और प्रतिबंधों की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। उनके पिता एक गरीब किसान थे और घंटों खेतों में काम किया करते थे। न चाहते हुए भी चौंग को अपने पिता की मदद करनी पड़ती थी। वह कभी जानवरों को चराने जाते थे तो कभी जलाने की लकड़ियां बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करते थे, लेकिन फिर भी दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो पाती थी। अपनी गरीबी से तंग आकर चौंग अक्सर यह सोचा करते थे कि क्या उन्हें भी अपने पिता की तरह जिंदगी भर स्ट्रगल करना पड़ेगा। सपना तो पढ़ लिख कर टीचर बनने का था, लेकिन पैसों की कमी ने उनके पैर रोक दिए। अब उनके पास रास्ते दो ही थे, या तो वे खेती करें या फिर घर से भाग जाएं। चौंग ने दूसरा रास्ता चुना और 16 साल की उम्र में ही घर से भाग गए, वो भी एक बार नहीं बल्कि चार बार। तीन बार तो पिता ने उन्हें ढूंढ निकाला और डांट फटकार कर घर वापस ले आए, लेकिन चौथी बार वे वापस आने के लिए नहीं निकले थे क्योंकि उन्हें बाहर जिंदगी का वो मजा मिल चुका था जिसे वह जीना चाहते थे। वह सीधे सियोल पहुंचे जो आज साउथ कोरिया का कैपिटल है। वहां जाकर कुछ दिन वह एक लेबर और फिर एक स्टार्च सिरप फैक्ट्री में हैंडीमैन का काम किए और फिर उन्हें बोकयुंग राइस स्टोर में डिलीवरी बॉय की एक बेहतर नौकरी मिल गई, जिससे उनकी लाइफ पहले से कुछ बेहतर हुई। कम से कम समय से उन्हें दो टाइम का खाना नसीब होने लगा। कंपनी का मालिक उनकी मेहनत देखकर काफी इम्प्रेस हुआ और 6 महीने के भीतर ही उन्हें स्टोर अकाउंटेंट बना दिया। और कुछ दिन बाद खराब हेल्थ की वजह से उस राइस स्टोर को चौंग के हाथों ही बेच दिया। दोस्तों अभी चौंग की उम्र सिर्फ 22 साल की थी। उन्होंने राइस स्टोर का नाम बदलकर क्यूंगिल राइस स्टोर कर दिया और लो प्राइस के दम पर अपना एक नया कस्टमर बेस तैयार किया। अगले कुछ सालों तक चौंग ने अच्छा प्रॉफिट भी कमाया और टाउन के बेस्ट राइस सेलर बन गए, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और जैपनीज कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उनकी राइस शॉप को बंद करा दिया। दरअसल चाइना से चल रहे वॉर की वजह से कोरिया में राइस रेशनिंग सिस्टम लागू कर दिया गया था, जिससे कि जापान और उनकी आर्मी को राइस सप्लाई किया जा सके। अब चौंग के पास तो फिलहाल घर वापसी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, लेकिन उनके विजन में कोई बदलाव नहीं आया। एक साल वो गांव में ही रुके और फिर साल 1940 में वापस सियोल में कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला किए जिसमें जैपनीज गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप ना हो, और काफी सोच विचार के बाद एक कार रिपेयरिंग का बिजनेस शुरू किए। यह काम भी अच्छा चला और 3 साल में ही चौंग के पास 70 लोग काम करने लगे। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर धोखा दिया। जैपनीज गवर्नमेंट ने वॉर में इस्तेमाल करने के लिए उनके इस गैरेज को एक स्टील प्लांट के साथ मर्ज कर दिया और सियोल में बढ़ते तनाव को देखते हुए चौंग को एक बार फिर अपने गांव वापस लौटना पड़ा। हालांकि चौंग के पास लगभग 50,000 वॉन की सेविंग्स थी जिसे उन्होंने अपने अगले बिजनेस के लिए बचा कर रखा। धीरे धीरे समय बीता और जब साल 1946 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ तो कोरिया जापान के चंगुल से आजाद हो गया और बिना किसी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस के चौंग ने अपने सर्विस गैरेज को द ह्युंडई ऑटो सर्विस सेंटर के नाम से फिर शुरू किया और यूएस आर्मी के ट्रक रिपेयरिंग का काम करने लगे। इसके अलावा सिविल एंड कंस्ट्रक्शन के फील्ड में उतरते हुए चौंग ने हुंडई सिविल इंडस्ट्रीज की भी शुरुआत की। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हुंडई का मतलब होता है मॉडर्न। कोरियन गवर्नमेंट को वॉर में डैमेज हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज के रिकंस्ट्रक्शन के लिए चौंग जैसे डू और डाई स्पिरिट वाले इंसान की जरूरत थी, जिसकी वजह से हुंडई सिविल इंडस्ट्रीज को प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। सोयांग डैम, ग्योंगबू एक्सप्रेसवे, उल्सान में दुनिया का सबसे बड़ा शिपयार्ड और कोरी न्यूक्लियर प्लांट जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को ह्युंडई ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। हालांकि गवर्नमेंट के बेतहाशा मदद के बिना यह काम इतना आसान नहीं था। ह्युंडई साउथ कोरिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन गई और अब समय आ गया था बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने का। सऊदी अरब का जुबैल इंडस्ट्रियल हार्बर प्रोजेक्ट और बहरीन का शिप बिल्डिंग और रिपेयर यार्ड हुंडई के कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के एग्जांपल हैं। लेकिन इतने डाइवर्सिफिकेशन के बाद भी चौंग ऑटो सेक्टर में ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज को हमेशा तलाशते रहे और साल 1960 में कोरियन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी ने ह्युंडई के ऑटोमोटिव डिवीजन में एक नई जान डाल दी। दरअसल गवर्नमेंट ने यह रूल बना दिया कि कोई भी विदेशी ऑटोमोटिव कंपनी साउथ
साउथ कोरिया में केवल लोकल पार्टनर के साथ मिलकर ही बिजनेस कर सकती है। लेकिन अब ह्यूंडई के पास कार बनाने की तकनीक तो थी नहीं, इसलिए चोंग ने साल 1967 में ह्यूंडई मोटर कंपनी की शुरुआत करके फोर्ड मोटर की साझेदारी में काम करना शुरू कर दिया और उलसान में सिर्फ 6 महीने में ही एक लार्ज असेंबली लाइन को खड़ा कर दिया। फोर्ड कोटिना की तर्ज पर ह्यूंडई कोटिना कार को लॉन्च किया गया। लेकिन एक गलती यह हो गई कि फोर्ड कोटिना ब्रिटेन की सड़कों के लिए डिजाइन की गई एक कार थी, जो वॉर से उभरे साउथ कोरिया की खराब सड़कों को झेल नहीं पाई। यह मॉडल फेल होने लगी और यहां तक कि लोग रिफंड की डिमांड करने लगे। बाकी रही सही कसर 1969 में आई एक भयानक फ्लड ने पूरी कर, जब पूरी असेंबली लाइन और तैयार पड़े कार्स 4-5 फीट बाढ़ के पानी में डूब गए। नौबत यहां तक आ गई कि लोग चोंग को कार प्रोडक्शन बंद करने की सलाह देने लगे, लेकिन चोंग ने तो हारना सीखा ही नहीं था। असेंबली लाइन को फिर से ठीक किया गया और कार का प्रोडक्शन शुरू हुआ। और कुछ सालों में जब साउथ कोरिया की सड़कें अच्छी होने लगी तो कोटिना के सेल्स फिगर में तेजी से इजाफा होने लगा। लेकिन साल 1974 में फोर्ड मोटर से कुछ मतभेद की वजह से चोंग ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और फिर दुनिया में कोरियन कार्स का एक नया दौर शुरू हुआ। फोर्ड मोटर से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ह्यूंडई ने अमेरिका की मित्सुबिशी के साथ इंजन और एक्सेल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अपने अगले कार की डिजाइन के लिए यूरोपियन इंजीनियर्स की पूरी टीम को हायर कर लिया। और जब कोरिया की जरूरतों के हिसाब से बनी नई कार ह्यूंडई पोनी को सिर्फ $5,900 के प्राइस पर लॉन्च किया गया तो लोगों ने इसे खूब पसंद किया। यहां तक कि कोरिया के बाहर कनाडा में भी यह बेस्ट सेलिंग कार बन गई। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स जैसे जरूरी बाजार में इस कार को एमिशन नॉर्म्स की वजह से लॉन्च नहीं किया जा सका, जिसके लिए ह्यूंडई ने साल 1985 में अपनी दूसरी कार ह्यूंडई एक्सेल को बनाया, जिसे यूएस मार्केट में सेल करने का परमिशन मिल गया। अब दिक्कत ये थी कि ह्यूंडई कार्स को एक चीप कोरियन ब्रांड की तरह देखा जाने लगा, क्योंकि इन कार्स में फीचर्स की कमी थी और इनकी रिलायबिलिटी भी मार्केट में मौजूद और ब्रांड्स के कार्स की तुलना में काफी कम थी। चोंग और उनकी टीम्स ने बिना थके दिन रात मेहनत किया, एडवांस इंजन और कार के पार्ट्स डेवलप किए गए और साल 1990 में अपने फीचर लोडेड कार्स ह्यूंडई एसेंट, सोनाटा और एलेंट्रा को मार्केट में उतार दिया। इन कार्स ने ह्यूंडई के रेपुटेशन और सेल्स फिगर को पलट कर रख दिया और साल 1998 में ह्यूंडई ने किया मोटर्स पर भी अपना कब्जा कर लिया और इन दोनों ने मिलकर क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन प्रोसेस पर इतना हैवी इन्वेस्टमेंट किया कि साल 2004 में ह्यूंडई ने टोयोटा के बाद दूसरी बेस्ट इनिशियल ब्रांड क्वालिटी का खिताब भी अपने नाम कर लिया। दोस्तों, अगर इंडियन मार्केट की बात की जाए तो ह्यूंडई ने यहां साल 1996 में अपनी एक स्मॉल फैमिली कार सेंट्रो के साथ इंटर किया था, जिसे खूब पसंद किया गया। और शायद आपको याद होगा कि उस दौर में कुल 5 कार ब्रांड्स ही इंडिया में एस्टेब्लिश्ड थे। पैसेंजर कार सेगमेंट में मारुति सुजुकी का ही बोलबाला तब भी था, क्योंकि टाटा मोटर्स और महिंद्रा ज्यादातर यूटिलिटी और कॉमर्शियल व्हीकल्स ही बनाते थे, जबकि हिंदुस्तान और प्रीमियर की कार्स आउटडेटेड और कंपटीशन से बाहर हो गई थी। वैसे आज भी ह्यूंडई मोटर्स मारुति सुजुकी को तो पीछे नहीं छोड़ पाई, लेकिन सीधी टक्कर देना शुरू कर दिया है। आज जहां अपने देश में कुल पैसेंजर कार सेल्स में 40% से ज्यादा मारुति की गाड़ियां होती हैं, तो वहीं ह्यूंडई और किया का कंबाइंड सेल्स भी 20% के आसपास होता है। और आज ह्यूंडई की कार्स चीप कोरियन ब्रांड नहीं, बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी और कम्फर्ट के लिए जानी जाती है। दोस्तों, चोंग का कुछ बड़ा करने का सपना पूरा होने में थोड़ा समय तो जरूर लगा, लेकिन जब साकार हुआ तो इतना बड़ा बनकर सामने आया कि दुनिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर में वे बेताज बादशाह बन गए। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।